दोस्तों ये सामने आपको स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड टाइप का कुछ दिख रहा है, समरी टाइप का। बेसिकली एक डेटा हमारा है, आप देख पा रहे हैं डेटा। इस डेटा पे मैंने समरी बनाई है। क्या बनाई है? डेटा पे समरी बनाई है। अब ये समरी, जैसे मैं ये अगर बोलूं कि मुझे सेंट्रल और मुझे वेस्टर्न के अंदर में कंपेयर करना है, मुझे एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इसके सारे के सारे सेल्स। सेक्शन वन में मतलब कि सेंट्रल के अंदर, ऐप के अंदर 24 का क्वांटिटी सेल हुई है, 7.33 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुई है। और यही सेम वेस्टर्न में ऐप में 24 के आसपास सोल्ड हुई है, लेकिन यहाँ पे 7.29 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि ओवरऑल सेल सारे रीजन में सारे ऐप के अंदर क्या है, 881 और 263 मिलियन सेल है। ये क्या है कि यहाँ पे सेल्स की कंपेयरिंग सेक्शन वन टू सेक्शन टू विथ टोटल प्रॉफिट की कंपेयरिंग सेक्शन वन टू सेक्शन टू विथ टोटल और टारगेट अचीवमेंट की सेक्शन सेक्शन वन टू सेक्शन वन। अब पता है ये है तो ठीक है, लेकिन इसकी खासियत है ये एक सिंगल फॉर्मूले से बना है। जी हाँ, एग्रीगेट फॉर्मूले से, इसमें कोई और तरह का फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है, और न ही इसके सपोर्ट शीट में देखिए कहीं पिवट है। ये डायरेक्ट डेटा से लिंक है और एक टेबल स्पेस स्लाइसर का यूज करके बनाया गया है। टेबल पे स्लाइसर यूज करके बनाया गया। अब इस तरह की रिपोर्ट और भी चीजें बन सकती है। आप देखें तो ये हमारा प्रोफाइल है कि मैंने अगर कविता क्लिक किया तो इस तरह रिपोर्ट कविता का आएगा, कविता की फोटो भी आएगी, फोटो यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसमें पिक्चर लुकअप का भी मेथड है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो इस तरह की आपका डैशबोर्ड है, जो कि पिवट टेबल को यूज करके, आप देखिए सारे पिवट लगे हैं, हमने डेटा को समझा, डेटा को यहाँ पे समराइज किया और यहाँ पे विजुलाइज किया, और सारे जो है ऑटोमेटेड। इसे फर्नीचर क्लिक करूंगा तो पूरी रिपोर्ट फर्नीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब ये बना कैसे है और आप इसको सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। क्या सर्च कीजिए? एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, इसमें जब जाइएगा तो आपको जो है मेरा आईपीटी का लोगो वाला, आईपीटी स्कूल का लोगो वाला आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये आईओएस पे भी अवेलेबल है और आपका एंड्रॉयड पे भी है। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। या फिर अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो आपको क्या करना है, app.iptindia.com, यहां दिख रहा होगा app.iptindia.com, उस पे जाइए और उसके अंदर आपको एक यहाँ पे व्यू ऑल कोर्स पे जब जाइएगा तो यहाँ दिखेगा पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल फॉर डैशबोर्ड। इसके अंदर जब आइएगा इसमें इसकी कंटेंट पे आइए, यहाँ कंटेंट आपको दिख रहा होगा, इस कंटेंट पे आइए तो इसमें तीन आपको फोल्डर दिखेंगे। पहला फोल्डर बेसिक पिवट टेबल 8 वीडियो के साथ, दूसरा है एडवांस पिवट टेबल जो कि 11 वीडियो के साथ। इसमें वन फाइल जो दिख रहा है ना, इसमें जिप के अंदर करके डाला गया है सारे प्रैक्टिस फाइल, ऐसे नहीं एक ही फाइल है, इस जिप के अंदर सारे प्रैक्टिस फाइल मिलेंगे। और वीडियो का ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो का ड्यूरेशन, आप देख सकते हैं 20 मिनट 30 मिनट। और जो डैशबोर्ड वाली वीडियो जिसमें 34 वीडियो दिख रही है, उसके अंदर तो आपको 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियोज मिलेगा, कंप्लीट डैशबोर्ड। तो इसमें तीन है, पहला है बेसिक पिवट, एडवांस पिवट, उसके बाद डैशबोर्ड विथ पिवट, और इसके अंदर आपको 34 डैशबोर्ड मिलेंगे और स्टील ए आपका अपडेटिंग चल रहा है अभी। 34 आप कल देखिएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। और इसकी प्राइस जो है अभी सिर्फ अभी जो है ऐसे तो 25, इस पे आपको 2900 का मिलेगा, मतलब कि 3000 के आसपास का ही है। बट क्या है कि इसमें अभी 30 वीडियोज है, इसमें टोटल 100 डैशबोर्ड होने वाले हैं। जैसे 100 डैशबोर्ड का कंप्लीट होगा, इसकी प्राइस जो है आपको 3000 हो जाएगी। फिलहाल आपको जो है ये मिल रहा है जस्ट 522, 599 का है, लेकिन इसमें 5499 इसमें कुछ जीएसटी वगैरह जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आपको ये पड़ जाता है ज्यादा। और
इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी, ऐसा नहीं कि आपको महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, इसकी वैलिडिटी होगी 5 साल की। और 5 साल, अभी 1 साल के अंदर ही देखिएगा इसमें 100 डैशबोर्ड आ जाएंगे। जैसे इसमें 100 डैशबोर्ड आया, इसकी प्राइस 3,000 चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल 3,000। तो अभी टाइम मत गमाइए, फटाफट बाय कर लीजिए। अगर आप लाइव ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।